ये डाल दिया मैंने, मिर्ची पाउडर, नमक डाल दिया और थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी हल्दी डाल दी। अब देखते हैं इसमें क्या करना, ये इसको फिर मिक्स करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, क्योंकि फिर ना जाऊं तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। तो सब लोग कैसे हो? सब लोग ठीक होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए और सर्दी से बच के रहिए। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। वैसे तो हम सफाइयाँ ही कर रहे हैं, बहुत सफाइयाँ, मतलब सफाइयाँ का बहुत ज़्यादा जोर है, क्योंकि सफाइयों में देखो सारा, आज तो सुबह के गुड मॉर्निंग भी क्या 11:30 हो गए हैं, लेकिन सफाइयाँ देखो अभी तक कुछ नहीं है। ये रसोई साफ की है मैंने, सारी बर्तन साफ करके रख लिए सारे, अब इनको जी चाहे अभी गिल्ले हैं ना ये, इसलिए तो खुद की शक्ल भी बिगड़ी पड़ी है सफाई कर करके, बुरा हाल होया अपना। फ्रिज साफ किया, कूलर वगैरह धो धो के, इन पे कपड़े चढ़ा चढ़ा के रखे हैं। ये देखो कूलर धो के रख लिया, ये कूलर साफ करके, एक कूलर को साफ करके अंदर रखे हैं। अब इसको तो वॉश किया, पूरे को वॉश करके साफ करके कपड़ा बांध के इसको अंदर रखेंगे। जैसे भी आपको पता ही है कि दिवाली की सफाइयाँ चल रही है, वैसे बीच में कपड़े हो जाते हैं, बहुत सारे कपड़े हैं। वैसे गर्म तो मैंने सारे कपड़े धो लिए हैं, कंबल वगैरह, रजाई, रजाइयों के छाड़ जो भी धो धो के रखे थे बेड में, तो फिर भी मैंने सोचा चलो भी उसमें स्मेल ना हो, इसलिए सारे एक एक बार तो सारे साफ कर दिए हैं। कंबल बड़े बेड वाले जो सिंगल थे वो सब सारे दिए, गर्म कपड़े जो भी थे सारे धो लिए हैं। कपड़ों वाली तो कोई टेंशन नहीं है, तो पहनने वाले कपड़े धुल रहे हैं, 2 दिन से धोए नहीं थे। तो अभी सफाइयाँ, बस यही सफाइयाँ चल रही है। आज मैंने फ्रिज भी साफ किया, सारा किया। तो आज देखते हैं, अभी 12 बज गए हैं, खाने में तो कुछ नहीं, तो आज कुछ न्यू डिश बना रहे हैं। न्यू डिश ऐसे आपने नाम भी नहीं सुना होगा, या किसी ने सुना होगा तो मेरे को बताना। तो खाने में बहुत टेस्टी होगी, और पोहा की बनेगी वो डिश, पोहा आलू पोहा की बनेगी वो डिश। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि हम कैसे बना रहे हैं। तो चलो गाइस, करो वेट। दूध निकल गया सारा। सारा दूध निकल गया, सफाई करते करते पता ही नहीं चला, दूध गर्म रख दिया और काम करने लगी तो दूध निकल गया सारा। सारा तो नहीं निकला, ऐसे तो पड़ा है देखो। चलो रसोई साफ करते हैं अभी दोबारा, वो भी परेशानी। एक बंदा जसू को ऊपर चाहिए, देखो ऐसे एक बंदा जसू को चाहिए, नहीं तो सारा काम हो जाए। ये जसू को मैं झूले देने आई थी, दूध निकल गया। जसू निकल बाहर। ये ली सब्जियां काफी सारी, पालक, मेथी, धनिया, ये इसको चप्पण को दो बोलते हैं, चकोतरे, पेटो, जसू बोलेगी, आलू मत बोलो, पेटो, पेटो भी लिए थे हमने, और सारा सामान खिलरा पड़ा है। अभी खाने के भी तैयारी नहीं है कुछ भी। ये जो मैंने बताई थी जैसे कि अपना सारा काम हो गया, वैसे तो कुछ नहीं हुआ है घर का, जैसे सफाइयाँ वगैरह भी थोड़ी बहुत कर दी है, और सुबह के लगे हुए हैं। ये बर्तन है ना जो मेरे को सांस ही नहीं लेने दे रहे। तो ये देखो बाहर वाला तो अभी सारा ही पड़ा है, देखो कैसे मेला लगा हुआ है। तो अभी जो मैंने बताया था कि कुछ नई डिश बना रहे हैं, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये बन रही है, ये पहले आलू मेस किए हुए हैं, अब इसमें हरी मिर्ची और प्याज और की मटर मटर धनिया है धनिया वो इसमें मेस कर लेंगे। इसमें ये पोटैटो, में पोटैटो अभी उबाल के जैसे मेस किए हुए हैं, तो इसमें सारा डालेंगे। तो अभी देखते हैं आगे कैसे बनाएंगे। तो चलो अभी तो मेस कर रहे हैं। ये कर लिए लहसुन प्याज, और ये पोहा है, ये पोहा को थोड़ी देर भिगो के रखा है। ये देखो, ये थोड़ी देर पोहा को भिगो के रख छोड़ रखा है, ऐसे लग रहा है जैसे राइस हो चावल। तो ये देखो, ये मेज मटर कितने मम्मी
मटर, अब इसमें मटर डालेंगे हैं, ये मटर भी इसमें डालेंगे। दीदी थैली कुछ दे दे, मटर दे दे। ये मटर भी डालेंगे इसमें अब। आ किये ये मैदा और ये चाट मसाला है, ये सब कुछ इसमें डलेगा। ये ब्रेड, इनकी कुछ नई डिश जो भी होगी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बन रही है। जी पोहा मेश कर लिया पोटैटो में, जिसमें और कट लेगा वेजिटेबल्स। देखो मिक्स कर दिया बिल्कुल। अब ये डालेंगे इसमें, ये कर लिए। अब हमने मेश वो ब्रेड, ये देखो ये मेश करिया ब्रेड हमने, और इसमें हमने पोहा डाला है, आलू पोटैटो और हरी मिर्च प्याज पोहा और धनिया। और ये अब ये देखो ये है मैदा, ये मैदा एक तरफ इसको मेश कर रखा है हमने। अब आप देखते जाओ कि कैसे बनेगा और क्या बनेगा, क्योंकि इस डिश का तो मैंने नाम ही पहली बार देखा है, पहली बार सुना है, और ना ही मैंने कभी खाई, फर्स्ट टाइम हम ट्राई कर रहे हैं। और देखो ये है ब्रेड, ब्रेड हमने मेश कर रखे है, ये है धनिया और ये है मैदा, ये हमने इसमें सारा कुछ मेश कर लिया। अब ये मैदे को मिक्स करेंगे पानी में, ये मैदा मिक्स हो गया पानी में। जैसो पैसे ना पाड़ती, रेड डालना, ये भी इसमें मिक्स करने हैं। ये डाल दिया मैंने मिर्ची पाउडर, नमक डाल दिया और थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी हल्दी डाल दी। अब देखते हैं इसमें क्या करना, ये इसको फिर मिक्स करना पड़ेगा सारी चीज़ों को, क्योंकि फिर नमक मिर्च जो भी होता है वो अलग अलग हो जाएगा ऐसे बिना हाथ से, तो ये वो भी नहीं होगा, मिक्स करना पड़ेगा इसको। अब इसमें देखते हैं क्या करना, तो ये डाल दिया हमने थोड़ा चाट मसाला, थोड़ा ज़्यादा ही डल गया। इनको मिक्स करके अब इनको ये बना दिए, अब ये बना के फिर इसमें है ना, फिर इसमें मैदे में इसको डालेंगे, मैदे में डाल के फिर ये लगाएंगे, ये लगा के फिर शायद इसमें तेल से निकालेंगे इसको ऑयल से, तभी देखते हैं क्या कर रहे हैं आगे आगे।
ये बढ़ रहे हैं। क्या नाम है डिश का? पोहा कटलेट। पोहा कटलेट गाइस, ये हमारे घर के शेफ हैं जो हमें नई नई चीजें बना के खिलाते हैं, तो हम आप इनसे पूछो कि ये क्या है। ये क्या है गाइस? पोहा कटलेट। क्या? पोहा कटलेट। नाम बड़ा अजीब सा, पोहा कटलेट, कट के लेट बनता है ये लेट, इसलिए इसका नाम है पोहा कटलेट। कम कर गैस, कम गैस कम करो बेटा, बच्चा गैस कम करो, शेफ होके यही बात नहीं पता। ये मैदे में मैदा लगा लिया, अब ये इसमें मिक्स होगा। तो गाइस पता नहीं ये अभी कब तक बन के पूरे रेडी होंगे। ये डिश हमारी, इधर भी हेलो। तो थंबनेल मैंने खींच लिया, अभी देखो चाहे किधर मर्जी देखो। और ये जो भाई पंखा लगा रहे हैं ये उनका नंबर था, वो अंकल ने दिया था दुकानदार वाले ने, जो पंखा लगाने आएंगे भी फोन कर लेना आधे घंटे। ये तेरी हंसी पर मैं मर ही ना जाऊं, तेरी ही बातों में खोना मैं चाहूं, तेरी ही आंखों में डूबना चाहूं।